शुक्रिया फिलहाल अमित इस पर जानकारी देने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुस्लिम आरक्षण पर मचे सियासी रण की। मुस्लिम आरक्षण पर एक बार फिर से सियासी बवंडर तब उठ गया जब आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने तीसरे चरण की वोटिंग के दौरान कल मुस्लिम आरक्षण का राग अलाप दिया। लालू यादव मुस्लिमों को पूरा आरक्षण देने की वकालत करने लगे। इसके बाद बीजेपी भड़क उठी। बीजेपी ने लालू यादव पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप मढ़ा तो पीएम मोदी ने लालू यादव के मुस्लिम आरक्षण वाले बयान को इंडी गठबंधन के खिलाफ हथियार बना दिया। पीएम मोदी ने दो टूक कहा कि लालू यादव की बातों से इंडी गठबंधन के खतरनाक इरादों की पुष्टि हो रही है। वो धर्म के आधार पर मुस्लिमों को आरक्षण देने की साजिश रच रहे हैं। ओबीसी और आदिवासियों का हक छीनना चाहते हैं। जिसके बाद कांग्रेस भी इस लड़ाई में कूदी और पीएम मोदी पर भटकाने का आरोप लगाया। पिछड़े वर्गों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग उठाई। लेकिन अब सवाल ये है कि चुनाव के बीच आरक्षण के नाम पर कौन भटका रहा है? क्या धर्म के आधार पर आरक्षण की मांग सही है या गलत है? पहले आपको सुनवाते हैं कि लालू यादव ने क्या कहा और लालू के बयान पर पीएम मोदी ने इंडी गठबंधन को कैसे सवालों के कटघरे में खड़ा किया, सुनिए। तो संविधान को खत्म करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, ये इस बात को जनता के जहन में शायद बात आ गई है तो इस तरह की बात बदल गई। कह रहे हैं कि मुसलमानों को आप लोग आरक्षण दे रहे हैं, ओबीसी का लेकर मुसलमानों को दे रहे हैं। रिजर्वेशन तो मिलना चाहिए मुसलमानों को पूरा। कांग्रेस तो चुप है लेकिन आज इनके एक बड़े साथी ने इंडी गठबंधन के इरादों पर मुहर लगा दी। उनके एक नेता जो चारा खाने के कारण जेल में है, जो पशुओं का चारा खा गए, उन्होंने कहा, ऐसे हाथ पछाड़ के बोल रहे हैं, मुसलमानों को आरक्षण मिलना चाहिए। और सिर्फ आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, वो कहते हैं कि पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? यानी एससी एसटी ओबीसी समाज को जितना आरक्षण मिला है वो छीन कर ये लोग पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को देना चाहते हैं। वायुसेना के काफिले पर